Hello everyone, my name is Aditya Dubey. Welcome back to another MCQ video on MPPSC Assistant Registrar Examination. इस वीडियो में हम जानेंगे MPPSC Registrar Examination का टॉपिक 3B जो कि मेनली डील करता है पेपर 2 से और इसमें हम मेनली फोकस करेंगे MCI के साथ जो कि आप देख सकते हैं हायर एजुकेशन के अंदर आता है यहाँ पे MCI ओके और आप हिंदी का सिलेबस भी देख सकते हैं। तो MCI का फुल फॉर्म होता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ये किस लिए बनाया गया था? ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि ये क्वालिटी मेडिकल केयर प्रोवाइड करना चाहता था सभी भारतीयों को और साथ ही साथ जो मेडिकल की जो प्रमोशन और मेंटेनेंस है उसको इम्प्रूव किया जा सके। आप इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से पढ़ सकते हैं जो कि है MCIIndia.org ओके। इससे आप पढ़ सकते हैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा कि क्या क्या काम किया गया है। अब हम जानते हैं MCQ। तो पहला क्वेश्चन है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं और मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा एक एक ऑप्शन को वेट लगा के, मैं सीधे आपको आंसर बताते जाऊंगा। अगर आप ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और सिंस आपके पास टाइम कम है तो इस वीडियो को प्ले कर सकते हैं जल्दी से। तो मेडिकल काउंसिल की स्थापना हुई थी 1934। द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1934 ओके। अब MCI के अंतर्गत चीफ विजिलेंस ऑफिसर जो रहता है वो किसके अंतर्गत काम करता है, मींस चीफ विजिलेंस ऑफिसर किसको रिपोर्ट करता है। तो यहां पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं। तो चीफ विजिलेंस ऑफिसर जो है वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करता है ओके। प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करता है चीफ विजिलेंस ऑफिसर। अब हम इसका एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। तो यह है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इसका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट आप देख सकते हैं। प्रेसिडेंट है, देन वाइस प्रेसिडेंट उसके अंतर्गत आता है, देन है सेक्रेटरी और देन चीफ विजिलेंस ऑफिसर ओके। तो आपको एग्जाम में ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट से भी रिलेटेड MCQ फॉर्म किए जा सकते हैं। ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप ये चार्ट खुद से ड्रॉ कीजिए और समझ लीजिए कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है और इससे किस तरीके के क्वेश्चन फॉर्मुलेट हो सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि इंडियन मेडिकल डिग्री एक्ट कब पास हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन मेडिकल डिग्री एक्ट कब पास हुआ। तो इसका सही आंसर है 1916 को इंडियन मेडिकल डिग्री एक्ट पास हुआ था। अब इसके बाद अलग अनदर क्वेश्चन है कि अमेंडमेंट मींस संशोधन ऑर्डिनेंस के द्वारा कब लाया गया प्रेसिडेंट के सहमति से, जब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में अमेंडमेंट किया गया। मतलब एक तरह से कहा जाए कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में जो ऑर्डिनेंस था वो प्रेसिडेंट के द्वारा कब पास किया गया। तो उसकी वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि एग्जैक्ट डेट आपसे पूछा जाए MPPSC में, बट लेकिन आप सेफ साइड में प्रिपेयर करते चलिए। तो इसका सही आंसर है 27th of August 1992 ओके। 27th अगस्त 1992 ऑप्शन बी। अब यहां पे अलग क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंडक्टेड बाय MCI मीन्स मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, इनमें से कौन सा एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जाता है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए हैं NEET, NET। तो वैसे इसका सही आंसर है NET। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नॉट लिखा हुआ है, आपको ये बताना है कि कौन सा एग्जाम MCI कंडक्ट नहीं करता है। NET के बारे में बताना चाहूंगा कि NET कंडक्ट करता है UGC नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट ओके। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इसको कंडक्ट करता है। अब इजी क्वेश्चन कि MCI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो MCI का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में ओके। MCI का हेडक्वार्टर कहां पे है, न्यू दिल्ली में। किसकी रिकमेंडेशन के आधार पर MCI का नाम बदलकर नेशनल मेडिकल कमीशन रखा जाने का सिफारिश की गई है, मींस रखे जाने की सिफारिश की गई है। तो इसकी सिफारिश की थी नीति आयोग ने ओके। नीति आयोग के रिकमेंडेशन के आधार पर MCI का नाम बदलकर नेशनल मेडिकल कमीशन रखने की बात की गई। BC रॉय अवार्ड इंस्टीट्यूट कब हुआ। BC रॉय अवार्ड एक बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट अवार्ड है जो कि मेडिकल प्रैक्टिशनर को दिया जाता है। तो इसकी इसका गठन मींस ये कब फॉर्मुलेट हुआ था। तो ईयर इसका सही आंसर है 1962। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCI से ये हो सकता है कि पहली महिला प्रेसिडेंट MCI की कौन थी, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ MCI। ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है। 2013 में डॉक्टर जयश्री बेन मेहता बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ MCI ओके। याद रखिएगा ये फैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अनदर क्वेश्चन है कि
डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन और उनके क्वालिफिकेशन जनरली किसके द्वारा किए जाते हैं? यहां पे ध्यान दीजिएगा, यूजुअली टर्म लिखा हुआ है, ठीक है? तो रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्टर एंड देयर क्वालिफिकेशन इज यूजुअली डन बाय स्टेट मेडिकल काउंसिल, ये याद रखिएगा, स्टेट मेडिकल काउंसिल। ओके, अब ये थे हमारे वीडियो एमसीआई के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, मींस अगर आप चाहते हैं कि मैं एमसीक्यू और बनाऊं, तो प्लीज सबसे पहले तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि अगर आपको कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है जिसके आप एमसीक्यू चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसका एमसीक्यू बनाने की कोशिश करूंगा। और एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे एक सजेशन चाहता हूँ कि मैंने एक अपने ब्लॉग पे काम करना चालू किया है, तो ये सिंपल सा ब्लॉग है, कोई उतना हाई फाई ब्लॉग नहीं है, बहुत सिंपल है। इसमें मैं चाहता हूँ कि क्योंकि आपका एग्जाम जो रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, तो ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि आपकी भी प्रैक्टिस ऑनलाइन एग्जामिनेशन पैटर्न के अकॉर्डिंग हो। तो मैंने इसमें क्वेश्चन पेपर सेट किए हैं और आप इसमें ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं। ये वेबसाइट है, मीन्स एक ब्लॉग है, आदित्य दुबे MPPSC.blogspot.in। ये मैं जल्दी ही इसको ऑफिशियली रजिस्टर करवा लूंगा, और फिर .com हो सकता है या .in हो सकता है, जैसा आप चाहें। तो इसमें बेसिकली आप ओपन करके टेस्ट दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और अगर आपको अच्छा लग रहा है ये पैटर्न तो प्लीज़ आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। इसमें आप टेस्ट ऐसे दे सकते हैं जिस तरीके से आप दूसरी वेबसाइट्स जैसे महिंद्रा वगैरह की जो प्रीमियम टेस्ट सीरीज रहती हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं। और एग्जाम में ऐसा ही रहता है क्योंकि टाइम लेफ्ट आपको बताता है, टोटल क्वेश्चंस रहते हैं। इसमें बेसिकली मैंने सेट करने के लिए 7 क्वेश्चन सेट किए हैं, तो जल्दी जल्दी मैं कोई भी आंसर इसमें दे देता हूँ बिना पढ़े, और फिर आपका रिपोर्ट कार्ड मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें कि किस तरीके से जनरेट होता है। ये वैसे मोबाइल फ्रेंडली भी है, अगर आप चाहें तो उसमें मोबाइल में अपने ओपन करके आप इजीली टेस्ट दे सकते हैं, और ये काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, तो आप ये फिनिश कर सकते हैं इस तरह से टेस्ट, और देन फिर कंफर्म फिनिश में करेंगे तो फिर आपकी रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। ये है 3 out of 7, मीन्स 7 में से सिर्फ 3 करेक्ट हैं। परसेंटेज कितना है, कितना टाइम लिया है, कब दिया है, और इसके साथ सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको ये एमसीक्यू जनरेट करके दे देगा कि आपने कौन सा सही आंसर दिया और कौन सा गलत दिया। इसके साथ ही अगर आप चाहें तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन भी दे सकता हूँ कि इसका सही आंसर क्यों ये है, और एक स्टेटमेंट भी दे सकता हूँ। और होपफुली मुझे लगता है आपको ये प्रयास अच्छा लगा हो। अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, मैं एमसीक्यू वीडियो के साथ ये क्वेश्चन सीरीज भी अपडेट करते जाऊं ताकि आपकी ऑनलाइन एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस फ्री ऑफ कॉस्ट हो सके। सो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मेरा चैनल इंडेक्स हो सके। और आपका शुक्रिया कि आपकी बदौलत मेरा चैनल में 1,000 सब्सक्राइबर से ज़्यादा क्रॉस हुए, वो भी कुछ ही टाइम में। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बना के रखिएगा, मैं अपना एफर्ट पूरा दूंगा। थैंक्स फॉर नाउ, बाय।